वही विश्व प्रसिद्ध 11वीं ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुकी है। भगवान की डोली के दर्शनों के लिए हजारों श्रद्धालु यहां मौजूद हैं और भम भम बोले के जयकारों के साथ डोली अपने प्रथम पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी रात्रि विश्राम को पहुंचेगी। बता दें आज सुबह से ही मंदिर में केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी तीर्थ पुरोहित मंदिर समिति के अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में पूजा अर्चना हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी सौरभ गहरवार सहित जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद रहे। बता दें कि बाबा की पंचमुखी डोली विभिन्न पड़ावों से होते हुए श्री केदारनाथ धाम पहुंचेगी, जहां 10 मई को सुबह 7 बजे पहुंचेगी। केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। आज बेसिकली हम लोग इसलिए आए थे कि यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से रहें और लोगों का जो भक्तों का जो जमावड़ा यहाँ देख करके वो अलग ही एक अनुभूति हो रही, और पूरा जो जिला प्रशासन है, जो पुलिस है, हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, हमारे मीडिया बंधु हैं, हमारे जितने व्यापार संघ के मेंबर्स हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे अन्य सभी जो लोग हैं, वो सभी तीर्थालुओं का हाथ खोल करके स्वागत कर रहे हैं। और यही उत्कंठा के साथ कि आप यहाँ हमारे भोलेनाथ की नगरी में आए और आशीर्वाद प्राप्त करते जाए। और हजारों लोगों की भक्तों की उपस्थिति में माननीय हमारे रावल जी की गरिमा में उपस्थिति, माननीय जिलाधिकारी महोदय श्री सौरभ गहरवाल की उपस्थिति में आज डोली ने जो है चलते जो डोली ने जो है यहाँ पर ठीक 9:30 बजे यहाँ से प्रस्थान किया। लोगों में बड़ा अपार उत्साह था और पूरी देश की नज़र इस पे थी कि अब 6 महीने तक जो है यात्रीगण केदारनाथ में पहुँच करके भगवान की यात्रा कर पाएंगे। और इस साल जो है भगवान आज ऊखी मठ से चल करके पहले गुप्तकाशी में रात्रि विश्राम करेंगे, उसके बाद दूसरे दिन फाटा में विश्राम करके, तीसरे दिन जो है गौरीकुंड में विश्राम करके और 10 तारीख की 7 बजे श्री केदारनाथ धाम में पहुँच करके आम जनमानस के लिए अपना दर्शन देंगे। तो ये